नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश्याम। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हर रोज़ जो भी फ्यूचर मेकर कंपनी की न्यूज़ है उससे आपको अपडेट करवाते हैं, तो इसको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं जो कोर्ट केस चल रहा है फ्यूचर मेकर कंपनी का, और CMD श्री राधेश्याम जी तेलंगाना वहाँ है अभी तक, तो उनकी बेल के बारे में और कंपनी को क्लीन चिट के बारे में। तो दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारे को, हम बोल रहे हैं बड़े दुख के साथ कि कंपनी को जो क्लीन चिट मिल रही थी और जो राधेश्याम जी को बेल मिलनी थी, वो दोनों ही काम सिरे पर नहीं पहुँचे। कंपनी के साथ और श्री राधेश्याम जी के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि कल जो एडवोकेट जी ने बताया था कि 25 तारीख की डेट को लगभग दोनों केस फाइनल हो जाएंगे, दोनों नहीं तो एक केस तो ज़रूर फाइनल हो जाएगा कि CMD सर को बेल ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा हुआ है, बेल भी नहीं मिली और कंपनी को क्लीन चिट भी नहीं मिली, और उसके साथ मिला है तो नेक्स्ट डेट, जो कोर्ट का काम होता है कि आगे से आगे डेट देते रहते हैं, वही हुआ दोस्तों कि कंपनी को नेक्स्ट डेट दे दी गई है। और नेक्स्ट डेट भी दोस्तों कब की है, आज से 3 दिन बाद। तो दोस्तों, नेक्स्ट डेट है वो है 28/9/2018 को, आज से 3 दिन के बाद फिर से सुनवाई है। क्या पता उसमें हम आशा करते हैं कि CMD सर को बेल भी मिले और कंपनी को क्लीन चिट मिले और कंपनी दोबारा से कार्य शुरू करे। दोस्तों, अब फ्यूचर मेकर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको धैर्य रखने की ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट का काम है बहुत ही पेचीदा होता है, और वो कोर्ट डेट कितनी भी दे सकता है, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, एक बात कन्फर्म है, अगर कोर्ट इस तरह चलता रहेगा और हमें विश्वास है कि कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया, कंपनी अपने कार्य पर खरी उतरी है और सदा ही हमेशा ही कंपनी ने प्रशासन का साथ दिया है और प्रशासन का साथ अच्छी तरह से दे रही है, और हमें आशा है कि कंपनी को जल्द ही क्लीन चिट मिलेगी और CMD सर जल्द ही जमानत पे बाहर आके कंपनी का सारा कुछ कार्य जितना भी है जो पेचीदा है वो सोल्व कर लेंगे और जल्द ही फिर से कंपनी अपना दोबारा से काम शुरू कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश्याम, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।